और कोई भी अगर अपलिस्ट कराना चाहता तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे। Shivani and welcome back to my YouTube channel. So it's a new day and a new video. First of all, I would like to say happy Raksha Bandhan to all the brothers and the sisters. तो आज रक्षा बंधन है, आज राखी है। तो जैसे कि मैंने आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, मैंने बताया था कि अमन यहाँ पे नहीं है, वो डब्लू भैया को छोड़ने हिमाचल गया हुआ है और डब्लू भैया भी आनी है, मतलब मैं अमन को भी राखी बांधती हूँ, डब्लू भैया को भी बांधती हूँ, तो दे बोथ आर नॉट प्रेजेंट हियर। बट धीरज है जिसको मैं राखी बांधती हूँ, यहाँ पे मेरा एक और ब्रदर भी है। तो अभी जस्ट मैं रेडी हो गई हूँ, बट यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अप्रॉक्स 30 to 45 minutes हो गए, मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके तो मैं जाऊँ राखी बांधने के लिए, बट बारिश रुक नहीं रही है। तो देखते हैं, अगर 5-10 मिनट तक बारिश रुकती है तो ठीक है, अदरवाइज रेनकोट लेके जाना पड़ेगा। फाइनली जो धीरज बाबू है वो नहा धो के रेडी होकर आ गए हैं, वो देखो कैसे नई बहू की तरह शर्मा रहे हैं। और अब मैं इनको फाइनली राखी टाई करने जा रही हूँ। एक राखी तो ये है जो मैं धीरज के लिए लाई हूँ, और दूसरी राखी है ये जिस पे लिखा है श्री कृष्णा, क्योंकि ये और मैं दोनों ही कृष्णा भगत है, तो मुझे लगा इस पर राखी अच्छी लगेगी। कैसी लगी? अच्छी है, इसको ही लेके गई थी साथ। हैप्पी रक्षा बंधन धीरज भाई। थैंक यू। खूब पढ़, खूब बड़ा आदमी बन, तरक्की कर, यही मेरी विश है। मेरी रक्षा करो, किससे करेगा रक्षा? फिलहाल तो तुझे अपनी रक्षा मेरे से करनी पड़ती है। तो तेरे लिए एक और चीज आई हूँ, तेरी फेवरेट मिठाई घेवर, कैसा लगता है तुझे? टेस्टी है ना? गिफ्ट। गिफ्ट आया मेरे लिए। यार, आर यू सीरियस? 1 रुपया लाया मेरे लिए, ये भी ना दे भाई। अच्छा, वो भी वापस ले लिया, देख रहे हो ना इसको? 1 रुपया कौन देता है अपनी बहनों को राखी में, और वो भी वापस ले लेते हैं, वो धीरज है ऐसा। कोई बात नहीं, जब तू पढ़ लिख जाएगा ना तब देखते हैं, पर ये गलत है। ठीक है, परसों ना इसका बर्थडे भी है, तो मैं भी इसको 1 रुपया दूंगी गिफ्ट में। ठीक है, गुंगा है? हाँ। ये मेरे लिए नहीं। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो धीरज ने जो ये कल फरेरो रोचर खरीदी थी ना, आपने लास्ट व्लॉग में देखी होगी, तो सीरियसली ये मेरे लिए थी? तो झूठ क्यों बोल रहा था गर्लफ्रेंड के लिए? सरप्राइज होता हो तो वो बहुत सब 10वीं के बच्चे भी सरप्राइज दे रहे हैं, जब हम 10th में थे ना हमें तो पता ही नहीं था सरप्राइज क्या होता है। अपने घर जा रहा है, और जो मेरा दूसरा भाई शिवांश है मैं उसको राखी बांधने जा रही हूँ, तो फटाफट जाती हूँ, लेट हो गई ऑलरेडी। शिवांश के घर आ गई, ऊपर चलते हैं, मैं काफी लेट हो गई, मुझे काफी फोन आ गए थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फाइनली अब मैं आ गई, तो चलते हैं और फटाफट से राखी बांधती हूँ। हेलो बच्चन, सब रेडी मेरे वेट में ही बैठे हुए ऐसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे है सभी? नमस्ते बा, ये मेरा भाई शिवांश, कैसा है? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो सब? हाय अंजलि, वत्सल ने तो मेरे को सबसे पहले मिला है ना। वत्सल इधर तो देख, ऐसे ही दिखा दूंगी मैं भी वीडियो में, हाय बोलो। ये देखो कान्हा जी को भी राखी बांधी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और एक और कान्हा जी हमारे शरारती से, इधर शरारती कान्हा जी, आप भी वीडियो के टाइम पे मुंह कैसे नीचे हो जा रहा है ऐसा, तो इतना शरारती है, तेरी शक्ल से पता लग रहा है तू कितना शरारती है। वत्सल अब तो मुंह भी नहीं खुल रहा। ये भाभी है, सोनिया भाभी है, वत्सल की मम्मी है। Hello. मेरे को एक बात बताओ, ये इतना शरारती कैसे है? बस पता नहीं, कान्हा जी का असर था इसमें। है भाई, खाया इसने है? माखन मिश्री खाता है तू? जब आया तभी माखन मिश्री करके खा के आया ये। है भाई वत्सल, अभी कितना चुप है ये, घर पे ऐसे रहता है भाभी कभी चुप? ना, मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ ऐसे। कभी सीढ़ियों पे दौड़, कभी काइट फ्लाइंग उड़ाओ। हैं भाई, ओ चल वीडियो बंद होगी अब बता। इसको सब पता है, बहुत तेज हो रहा है ये, उछल कूद क्यों कर रहा है? अच्छा ये तो बता दे,
है, उछल तो रहा है, है वानर सेना से तो लगी तो नहीं। जल्दी मेरे को जाना भी है। मैं तेरे को जाने दूंगी अभी, ऐसे थोड़ी जाना है। पापा क्या पापा? अरे पापा जल्दी क्या हो रही है? ये मेरे को राखी बांध रहा है। नहीं नहीं हमारे साथ है। हाँ देखो देखो बांध रहा है मेरे राखी। अब ये राखी इसलिए बंद जा रही है कि दीदी गिफ्ट देगी, है ना? क्या वही गिफ्ट नहीं मिलेगा? शिवांश की कलाई भरी पड़ी है राखियों से, इससे पता लगता है तो ज्यादा बहनी है शिवांश की, है ना? फर्स्ट राखी मेरी, सबसे आगे बांधी मैंने, सबसे लेट और सबसे पहले। गॉड ब्लेस यू, मे यू अचीव ऑल द अचीवमेंट्स। गॉड ब्लेस यू कि तुझे सारी कामयाबी मिले। अच्छा तू तो छोटा है शिवांश, अभी अगर अमन होता ना तो मैं लड़के लेती, पर अभी तू छोटा तो कमा, फिर मैं झक से मांगा करती। नहीं तू मान ना, ये मेरे पैसे। अच्छा इसमें पैसे इकट्ठे कर रखे दीदियों का देने के लिए है। अच्छा ये चॉकलेट ले लेती हूँ पैसे रखे। नहीं ये मेरी तरफ से, मैं तो बोल रही हूँ इतनी तरक्की दे भगवान इसको, ये खूब कमाया और हक से इससे चीजें मांगे, है ना शिवांश? काफी देर हो गई है मुझे यहाँ पे बैठे हुए, मतलब जब मैं इधर आती हूँ ना मुझे बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है और मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। इतना प्यार करते हैं एक तो भाभी, और इतना टाइम बाद हम मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं तो ऐसे होता है कि कितनी बातें अभी एकदम से कर ली जाए, खत्म नहीं होती एक्चुअल में। बाकी पहले तो शिवांश की शिकायतें लगाई जाती थी जब शिवांश छोटा था, अभी इज इन 12th क्लास और अभी तो पूरा समझदार हो गया, अभी कोई शिकायत नहीं होती। उल्टा जब भाभी मेरी शादी की बात करते हैं तो शिवांश कहता है नहीं नहीं पहले YouTube पे फोकस करो। YouTube अब ऐसा होता है, मतलब होता है ना भाई सपोर्टिव है मेरे सारे, आई एम लकी। मतलब बहुत सारे भाई होते हैं जो बहनों को भी रोकते हैं, ये नहीं करते ये नहीं करते, मेरे तो सारे भाई सपोर्टिव है, एक नहीं सब, अमन शिवांश सारे। हाँ अभी कुछ नहीं करना शादी शादी, वो देखो वो शर्मा के चली गई, मेरे को वीडियो में ना ले ले। वो भी मेरी जो शिवांश की सिस्टर है अंजलि, वो जब स्कूल में थी तो मेरी स्टूडेंट थी, कॉलेज में भी पढ़ी है मुझसे, और अब उसकी शादी हो गई है तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की शादी भी हो गई है, तो देखो ये चीज भी है मेरे लिए। वो वहां से फिर भी देख रही है अंजलि, वो देखो। शिवांश कोई हमारी पुरानी याद जो तुझे सबसे अच्छी याद हमारी याद हो? बस उस टाइम दीदी भूख लग रही है, मैगी बना लो। दीदी पास्ता मंगा ले, कितना पास्ता मंगा के हम ट्यूशन पे खाते थे, मुझे याद है एक प्लेट में सारे लग जाते थे हम, ना वीडियोस बनाते थे वो वाली मेरे। हाँ भाई हम एक हम फनी वीडियो, अब तो चलो यूट्यूब की बनाने लग गए, तब तो टिकटॉक इंस्टाग्राम रील कुछ नहीं होता था। मेरे को याद है हमने एक फनी वीडियो बनाई थी, उसमें तू था चप्पल से, वो कौन सा कोई गाना था कि हाँ जेड़ा तेरे पीछे मार दो सी गेड़िया, मैं कल्ला कल्ला ठा ठा पे उसको चप्पलों से मारा था हमने, ऐसा कुछ वो वीडियो बनाई थी हमने। ये अटैचमेंट है मेरे शिवानी से शुरू से, लगता ही नहीं ये दीदी दीदी बोलते हैं, मेरे को भी लगता नहीं कि मेरे को भी अपना अपना लगता नहीं। मैं वही बोल रही हूँ, हम भी जब भी मिलते हैं बहुत कम मिलना होता है क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, मेरे पास ही एक्चुअली में टाइम नहीं है, भाभी तो मुझे बुलाते रहते हैं, पर जब भी हम मिलते हैं हम खूब सारी बातें करते हैं। लेकिन ऊपर नहीं आना, नहीं नहीं वो टाइम नहीं होता, मतलब उस टाइम ना होते में नीचे खड़ा होने के लिए टाइम होता है, क्योंकि चल निकल जाएंगे जब भी हूँ। ये राखी भैया दो दिन पे तो मेरा आना होता है ना, फिर तभी मैं आराम से बैठ के जाती हूँ। देखो इसने अपने एयरपोर्ट्स के कवर मंगवाए थे, दिखाइए फोटो दिखा जो मंगवाए थे, मंगाए क्या थे और आ गए ये, पहले तो ये देख लो जो आए हैं, ठीक है? अभी कितने अलग है मंगवाए वाले, जो देखो ये मंगवाए थे इसने फ्लिपकार्ट से और आ गए ये, तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस ना। और वो लेने से रिफ्यूज कर रहा है, कहता कि मैं उसी इमेज की, पर ये गलत है ना कि अगर कुछ, इसलिए कहते हैं ऑनलाइन लेना अच्छा नहीं है, हमेशा दुकानदारों को सपोर्ट करो। तो अभी अभी ये शिवम भी आया था, कह रहा दीदी मेरे को राखी बांध दो, तो मैंने बांध दी राखी, इसकी कोई बहन नहीं है ना, तो आज से मैं उसकी ऑफिशियल बहन हो गई, और इसने मेरे लिए हाइड एंड सीक रोल्स चोको रोल्स का बॉक्स लाया, थैंक यू। वैसे तो ये बच्चे हैं इनसे कोई लेना बनता नहीं है, बिकॉज अभी तो ये खुद बच्चे, जब तुम कमाओगे ना तब तुम देना मुझे गिफ्ट्स एंड अच्छे अच्छे, है ना? ज्यादा नहीं बोल रहा, परसों बर्थडे है, कपड़े नहीं लिए अभी तक। हाँ भाई तेरी ठीक है, सांटे वाली मिली तो नहीं दोबारा किसी ने, पहला तो नहीं चाटे चुटे नहीं मारे? नहीं मारे, बच रहा आजकल। मेरे दोस्तों मेरे को बोले जा रहे हैं क्या कि तू चाटे खाने वाला बन गया।
तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और अभी मैं मार्केट से आई हूँ। तो इसके साथ गई थी मार्केट, बहुत सारे कपड़े लाए। ये कह रहा है मेरे को आपने इतने कपड़े दिला दिए कि मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा। कब तक? एक साल के बाद तो बड़ा हो जाएगा। तो तीन जींस लिए और एक दो और ये 6 शर्ट्स, बहुत सारे कपड़े दिला दिए इसको। हाँ भाई ठीक है ना, आप मेरे से कुछ मत मांगियो हैप्पी बर्थडे पे। कुछ और नहीं चाहिए? शूज। अबे मम्मी को बोल। नहीं मम्मी को क्यों नहीं बोलता? तो क्या अब दिला दो। ठीक है अब दिला दे, चल देखेंगे। अभी तो बर्थडे आने में 2 दिन है ना। तो अब हम करने वाले हैं मोमो पार्टी। हाँ भाई मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं मोमोज, यहाँ पे ना अच्छे मोमोज मिलते हैं। तो इसने प्रॉमिस किया कि शॉप पे जहाँ से इसने दिलवाए हैं वहाँ पे अच्छे मोमोज मिलते हैं, तो वो तो अभी पता लग ही जाएगा कितने अच्छे खा के देखती हूँ मैं। नहीं मम्मी ऑसम तो नहीं है बट अम्बाला में मतलब 10 में से 7। तो गाइस अब मैं धीरज की मूछें मुंडाने लगी हूँ, मतलब इसके अपर लिप्स करने वाली हूँ। ये पकड़ बेटा, ऐसे पकड़ियो ठीक है, दिखा। पहली बार करा रहा है ये, ऐसा लग रहा है इसका बर्थडे नहीं है, इसकी शादी है। नहीं निकल रही है इसकी, हो गई थे रुक हो गया, रुका भी नहीं हुआ। ये पकड़ दिखाना है यार, बस आधी बच करूं आधी हुई भी है यार। आई बोलती हूँ मेरी शान, कोई बात नहीं। होती है और कोई भी अगर अपर लिप्स कराना चाहता तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे। टू दिखा, निकल गई भाई निकल गई, दिखा। लिप्स करा के ये वाला पूरा एरिया रेड हो गया, देखो बताओ कमेंट करके धीरज कैसा लग रहा है, लड़की लग रहा है ना। गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30, मैंने जस्ट अपनी एडिटिंग कंप्लीट की है, जो ये वाला क्लिप है जस्ट ये एड ऑन करके पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वीडियो अपलोड पर लगा दी जाएगी। तो बस फिलहाल इसकी एडिटिंग हो गई है, तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।